सरकारी दहशतगर्दी को बंद करो, बंद करो, बंद करो, सरकारी दहशतगर्दी मुर्दाबाद, ममता बनर्जी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बीजेपी वर्करों को बंगाल में बीजेपी वर्करों का करो कत्लेआम, बंद करो, बंद करो, बंगाल में बीजेपी, बंगाल में दहशतगर्दी, बंद करो दहशतगर्दी, बंद करो, बंद करो, बंगाल में दहशतगर्दी, बंद करो, बंद करो, सियासी दहशतगर्दी के साथ है, बंगाल का वर्करो, बंद करो, बंद करो, स्टॉप, स्टॉप, पॉलिटिकल टेररिज्म, स्टॉप। आज पूरे देश में देखिए, आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का एक एहतजाज हो रहा है, क्योंकि देखिए पॉलिटिकल जो डेमोक्रेसी होती है, डेमोक्रेसी में हर कोई पार्टी इलेक्शन में हिस्सा लेती है, इलेक्शन आते हैं और इलेक्शन जाते हैं, लेकिन आफ्टर द इलेक्शन जो कुछ हालात मगरबी बंगाल में हुए हैं, वहाँ खुल्लम खुल्ला ममता बनर्जी और उसके गुंडू ने एक स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी वहाँ अडॉप्ट की है, और वहाँ जो हमारे कार्यकर्ता है, हमारे कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, जश्न के नाम पे हमारे आज से जला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे वो देश के किसी कोने में है, आज एहतजाज करके ये बावर कराना चाहता है कि हम बंगाल के वर्करों के साथ हैं, और आज हम उनके साथ इजहार एकजहती करते हैं, और हम ममता बनर्जी को ये वार्निंग दे रहे हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता देश के किसी भी कोने में, वो बंगाल के साथ है। आपने जो वहाँ कत्लेआम, जो नरसिंहार आपने वहाँ शुरू कर दिया है, हम इस चीज़ को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, इसका जवाब आपको वापस देना ही पड़ेगा, ये हमारा संकल्प है, यही हमारा वादा है। देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं हारा, 3 सीटें हमारे पास थे, आज हम 77 सीटें ले गई, और इन 77 सीटों से ममता बनर्जी की फ्रस्ट्रेशन इस हद तक बढ़ गई है, इसको भारतीय जनता पार्टी की जीत रास नहीं आई, इसलिए उसने वहाँ अपने गुंडू को खुले छोड़ के वहाँ भारतीय जनता पार्टी के वर्करों का कत्लेआम शुरू कर दिया, क्योंकि उसको लगता है आने वाला वक्त बंगाल में परिवर्तन चाहता है। और आज हमने प्रोटेस्ट इस पर किया कि बंगाल में जो हमारे कार्यकर्ता की शहादत हो रही है, जो कि वहाँ पर आपदा इलेक्शन, वहाँ पर सरकारी वो ममता बनर्जी के दहशतगर्दों ने तहलका मचाया है, और भारतीय जनता पार्टी के आसिफ ये आफसरों को और हमारे कार्यकर्ताओं को शहीद किया है वहाँ पर, हम इस चीज़ को कंडम करते हैं। भारतीय ममता बनर्जी को बौखलाहट आई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो बहुत सारी सीटें जो 3 से 77 सीटों पर पहुंच गए, उनको बौखलाहट आ गए, इसलिए उसने अपने गुंडे खुले छोड़े। जो कार्यकर्ता हमारे शहीद हो गए कल वहां, उनके साथ यकजहती हम कर रहे हैं, और पूरा देश उनके उन कार्यकर्ताओं के साथ है, पूरा भारतीय जनता पार्टी जो जम्मू पूरे देश में और जम्मू कश्मीर में वो उनके साथ है। कश्मीर यूनिट आज इसी बारे में हम दहशतगर्दी, जो पॉलिटिकल दहशतगर्दी ममता बनर्जी ने वहाँ शुरू की, उसको ये जो आज की ये हमारा धरना है, जो बंगाल में हमारे कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया गया है ममता बनर्जी के कार्यकर्ताओं ने, उस पर पूरे देश में आज हम यहाँ पे धरना दे रहे हैं उनके खिलाफ। तो अगर बनर्जी किनारा कष्ट करेगी ही, मगर उनके कार्यकर्ताओं को पकड़ा गया है वहाँ पे, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को शहीद कर दिया गया, हमारे वहाँ बहुत सारी डैमेज हो गई है, उसके बारे में आज पूरा जम्मू कश्मीर और हमारे कश्मीर यूनिट में भी धरना, आज हम धरना दे रहे हैं उनके खिलाफ। देखिए निहत्ते कार्यकर्ताओं को जो शहीद किया जा रहा है, खुलेआम उनका कत्ल किया जा रहा है वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के गुंडों की तरफ से, उसको हम आज हमने यहाँ पर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया, वो बंद होना चाहिए, और निहत्ते कार्यकर्ताओं पे जो ये पॉलिटिकल वहाँ पर जो दहशतगर्दी हो रही है उसको बंद होना चाहिए। हमने यहाँ पर ये भी डिमांड किया हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनरेबल रामनाथ कोविंद साहब को कि मुझे लगता है जब तक वहाँ हालात ठीक हो वहाँ पर प्रेसिडेंशियल रूल लगाया जाए, ताकि जो ये पॉलिटिकल टेररिज्म अभी जो TMC तृणमूल कांग्रेस की तरफ से, खास करके जो ममता बनर्जी की तरफ से हो रहा है वहाँ पर, वो बंद होना चाहिए। और हम उनके साथ, पूरा देश है, देश के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर भी उनके साथ है, और आज हम ये प्रोटेस्ट, अगर वहाँ पर पॉलिटिकल किलिंग बंद नहीं हुई, आज हमने यहाँ पर, आपको पता है कोविड है, हमने बड़े मुख्तसर में SOPs को फॉलो करके यहाँ प्रोटेस्ट किया, अगर ये वहाँ पॉलिटिकल किलिंग्स नहीं रुकी, हम सड़कों पे आएंगे, हम धरना प्रोटेस्ट।